हाय दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सौरभ डॉग कैनल में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सौरभ वर्मा, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। इस पपी को हाथ में ले लीजिए। तो आज हमारे पास एपीबीटी के पप्स आए हुए हैं। एपीबीटी यानी कि अमेरिकन पिटबुल टेरियर। तो पिटबुल बहुत सारे लोग करते हैं। सो दीज आर पिटबुल पपीज। ये देखिए, ब्लू कलर है, ब्लू आईज है। बहुत रेयर होता है कि पिटबुल में ब्लू कलर और ब्लू आईज मिल जाए। यूजुअली आपको ऐसे कलर अमेरिकन बुलीज में मिलते हैं। अभी ये बच्चा जितना ही भोला लग रहा है, एक्चुअल में क्रॉपिंग होने के बाद ये पपीज ऐसे दिखते हैं, ऐसे खतरनाक से। कोई भाई, ये ऐसे आप देखो, ये इनका लुक आता है। और ये बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव, बहुत ही ज्यादा गुस्सैल, और यूं आप कह लें कि ये थोड़े मूडी डॉग होते हैं। पिटबुल बेसिकली आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाता है। ब्लू कलर यानी कि ये, ग्रे, व्हाइट एंड ब्लैक, प्योर व्हाइट, प्योर ब्लैक, ब्राउन, ब्राउन एंड व्हाइट, महोगनी, बर्गंडी, सेबल कलर, ब्रिंडल कलर में भी कई बार आप पिटबुल देख लेंगे, ब्राउन देख लेंगे, लाइट ब्राउन देख लेंगे, डार्क ब्राउन एंड व्हाइट शेड में भी आपको पिटबुल मिल जाते हैं। अक्सर इनके पैरों पे आप व्हाइट सॉक्स देख सकते हैं, जैसे इसके छोटे छोटे हैं। किसी पे ज्यादा होते हैं, किसी पे कम होते हैं। ये जो पपी आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये मेल पपी है दोस्तों। और पिटबुल सबके लिए नहीं होता दोस्तों, ऐसा नहीं कि कोई भी पिटबुल को रख सकता है। पिटबुल के लिए बड़ा स्पेसिफिक माइंड होना चाहिए। अब हमारे पास अक्सर सवाल आते हैं कि भैया, क्या मैं पिटबुल रख सकता हूँ, क्या मुझे पिटबुल रखना चाहिए, मेरे पास छोटा घर है, मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं है, मेरे पास बजट ज़्यादा नहीं है, मैं डॉग को टाइम नहीं दे सकता, और मैं भैया डॉग तो ले लूँगा बट खिलाने पिलाने वाले मेरे नौकर होंगे, मेरे स्टाफ होंगे, और मेरा स्टाफ हर 4-6 महीने में बदल जाता है, तो क्या इन सारे केसेस में मुझे पिटबुल लेना चाहिए? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पिटबुल एक ऐसी ब्रीड है दोस्तों जो कि वन मैन डॉग होता है, वन मैन या वन फैमिली डॉग होता है, एक परिवार का होता है और एक ही परिवार में ये रहना चाहता भी है। पिटबुल को फैमिलियर बनाया जा सकता है, यस बिल्कुल बनाया जा सकता है, बट 70-80% केसेस में पिटबुल, अमेरिकन पिटबुल टेरियर अग्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते। पिटबुल के साथ आप किसी अदर ब्रीड को नहीं रखिएगा। लास्ट ईयर मेरे से ऐसी गलती हुई थी, मेरे पास 4 पिटबुल्स थे और मेरे पास एक जर्मन शेफर्ड आया हुआ था, किसी ने अबैंडेंट कर दिया था, रोड पे छोड़ दिया था, तो हम उसे लेके आए थे। 2 दिन तो मेरे पिटबुल ने कुछ नहीं किया, चारों बहुत आराम से खेलते थे, बट फिर एक रात ऐसा हादसा हुआ कि मैं बता नहीं सकता, उन चारों ने उस पर हमला कर दिया। वो जर्मन शेफर्ड था, बहुत फ्रेंडली था, बहुत प्यारा बच्चा था, और वो गया खाना खाने और गलती से मेरा पिटबुल जो कि गब्बर था, जो उन सब चारों में सबका बॉस था, उसके बर्तन में उसने मुंह डाल दिया, और जब गब्बर ने अटैक किया तो बाकी तीनों ने भी अटैक कर दिया। काफ़ी भारी चोटें आई थी उसको, फिर हमने ठीक किया, 1-1.5 महीने का टाइम लगा, डॉग रिकवर हो तो गया, फिर हमको उसको किसी और को देना पड़ा, क्योंकि हम पिटबुल के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। और पिटबुल इतनी ज़्यादा मस्कुलर और लीन बॉडी के ब्रीड होते हैं, इनको कहीं से भी कुछ भी नहीं होता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, शायद ये देखने के बाद आपको लगे कि मैं डॉग के साथ ज़्यादती कर रहा हूँ, मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, मैं इस डॉग के साथ अब्यूजिंग कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिटबुल कितने मजबूत और कितने मस्कुलर होते हैं। ये देखो आप, इसको कोई फर्क नहीं, ये कुदरत ने इनको बनाया ही है लड़ने के लिए। तभी जब डॉग फाइट होती है पिटबुल्स में, दूसरा वाला डॉग जब यहाँ से पकड़ के ऐसे लटक जाता है, तो इनका इतना स्किन लटकता है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर वाले ने इनकी बॉडी को बनाया है लड़ाई झेलने के लिए, दांतों को झेलने के लिए, वार को झेलने के लिए, बट इट डजंट मीन कि आप पिटबुल की फाइटिंग कराएं। क्योंकि गाइज, मैं अगेंस्ट हूँ टोटली डॉग फाइटिंग के, मैं कुत्तों की लड़ाई के बिल्कुल खिलाफ हूँ। चाहे ये वाला डॉग जीते, चाहे वो वाला डॉग जीते, नुकसान तो दोनों सूरतों में डॉग के ही हुए। ये बेजुबान है, ये उकसा दिए जाते हैं, ये अग्रेसिव कर दिए जाते हैं। बहुत सारे डॉग फाइट्स में आपने देखा होगा कि एक ही डॉग बचता है, दूसरा तो मर ही जाता है, इतना ज़्यादा पहला डॉग दूसरे डॉग को जख्मी कर देता है कि उसको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। बहुत सारे आपने कॉक फाइट में यानी कि मुर्गाबाजी में देखा होगा कि मुर्गे के पंजों पे ब्लेड बांध दिया जाता है, मुर्गे के पंजों पे छोटी चाकू या नाइफ बांध दिया जाता है, जब वो उड़ के वार करते हैं तो दूसरा वाला कट ही जाता है। तो ये सब चीज़ों के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि जानवर तो जानवर है और हमें कुदरत ने बनाया इंसान है,
तो हमें अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। जानवर बार बार अपनी अगर हरकत से बाज नहीं आता तो हम इंसान होकर जो कि मनुष्य को ऊपर वाले ने बचाने के लिए बनाया है, मदद करने के लिए बनाया है। और GOD गॉड होता है, गॉड का जस्ट ऑपोजिट डॉग होता है। तो क्योंकि ऊपर वाला हमेशा हमारे साथ रहता है, ठीक है, आप जितने भी धर्म ग्रंथों में पढ़ते होंगे, हर एक धर्म ग्रंथ हमें यही सिखाती है और यही बताती है कि मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप बाइबल में पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं ना तो तुझे अकेला छोड़ूंगा ना ही कभी तुझे त्यागूंगा, चाहे तू घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चले तो भी मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं, कुरान शरीफ भी यही बताती है कि हमारा खुदा आदि से अंत तक अल्फा है और ओमेगा है, और वो अल्फा ओमेगा अनंत तक हमारे साथ सर्वदा रहता है। तो आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ को उठा के पढ़ेंगे तो गॉड हमेशा हमारे साथ है। तो GOD गॉड का जस्ट ऑपोजिट है DOG डॉग। तो क्योंकि गॉड फिजिकली हमारे साथ हमेशा नहीं दिखाई देते, इसलिए उन्होंने हमें डॉग दिया। ये मेरा बनाया हुआ अपना अभी रेडीमेड नया फिलॉसफी है, चाहिए तो ले लीजिएगा वरना मत सुनिएगा, इधर से निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो मैं इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ इन डॉग से कि ये मेरी बात है कि गॉड हमेशा फिजिकली हमें नहीं दिखाई पड़ते, इसलिए उन्होंने हमें डॉग्स दिए हैं ताकि हम इनको फिजिकली अपने साथ रखें, प्यार करें, इनसे बातें करें, इनसे अपनी शिकायत करें, इनसे अपना हर एक दुख बांटें, हर एक सुख बांटें, और ये बहुत प्यारे होते हैं। तो पिटबुल को भी फैमिलियर बनाया जा सकता है। पिटबुल को रखने के तरीके क्या क्या होंगे? सबसे पहले, जब भी आप एक अमेरिकन पिटबुल टेरियर का पपी लेते हैं तो जब भी आप इसको बोल में खाना देते हैं तो खिलाते वक्त हमेशा इस पपी को सहलाते रहे। बच्चा नीचे खाना खा रहा है, आप सहला रहे, खाना खा रहा है, आप सहला रहे, थोड़ा थोड़ा उसके खाने में हाथ डाल के खाने को आगे पीछे कर रहे। पिटबुल अटैक तब करता है जब उसको लगता है कि उसके ओनर को, उसके मास्टर को, उसके मालिक को, उसके पापा को कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। उसको नहीं पता होता कि कोई आपका पैर छूने आ रहा है, कोई आपका हाथ मिलाने आ रहा है, या कोई आपके कंधे पे हाथ रखने वाला है। सो गाइज, अगर ऐसी सिचुएशन में ये अटैक करता है तो गलती इसकी नहीं है, आपकी है, क्योंकि आपने उन लोगों से अपने पिटबुल को कभी सोशलाइज नहीं कराया। तीसरा अटैक होता है जब एक डॉग दूसरे डॉग का अटैक करता है। तो 3 महीने का होते ही आप अपने डॉग के गले में छोटा सा कॉलर और एक लीश डालिए, इनको बाहर पार्क में लेके जाइए, दूसरे डॉग से सोशलाइज कराइए, मिलवाइए, वो चाटे, एक दूसरे को सूंघे, थोड़ा देर खेलें। जब ये हैबिट बचपन से बनेगी तो बड़े होने पर भी ये बनी रहेगी, तब भी पिटबुल अटैक नहीं करेगा। चौथा अटैक कब होता है? चौथा अटैक जब आपसे बिना पूछे, आपकी बिना परमिशन लिए घर में कोई दाखिल होता है, चुपचाप बिना आवाज दिए, बिना आपके सामने रहे, तब ये अटैक करते हैं। इसको मैं खुद भी नहीं चाहूंगा कि आप रोके, ये तो पालते ही हैं लोग इसीलिए कि सिक्योरिटी करें। अगर कोई चोर, उचक्का, डाकू या कोई गलत गतिविधि रखने वाला व्यक्ति आपके घर में दाखिल हो रहा है और ये उसको काट रहा है, तो ये सही काम कर रहा है, तब इसको रोकने की जरूरत नहीं है। तब भी अगर आप में से कोई भी पिटबुल रखना चाहता हो और उसे डर लगता हो तो मुझसे बात करें, मैं सही गाइडलाइन में, सही तरीके से, सही देखभाल के साथ आपको बताऊंगा कि आप अमेरिकन पिटबुल टेरियर को कैसे अपने घरों में पाल सकते हैं। सिल्वरिश कलर है, थोड़ा इससे लाइटिश कलर वाला जो होता है। तो अगर आप में से कोई भी हमारे इस पपी को लेने में इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकता है। हमारा कॉलिंग नंबर है 9140752208, दूसरा नंबर है 7275863266, तीसरा नंबर है 9369347740, और हमारा चौथा नंबर है 7905203357। तो इन नंबरों पर कॉल करके आप अपने डॉग की जानकारी ले सकते हैं, डॉग को बुक करा सकते हैं, और हमें अपने आने की गुड न्यूज दे सकते हैं कि भैया मैं 2 दिन 4 दिन या अगले हफ्ते आ रहा हूँ आपके पास डॉग लेने। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ख्याल करिएगा कि अमेरिकन पिटबुल टेरियर है, सही गाइडलाइन में कोई भी रख सकता है। सो पिटबुल के दीवानों, ये रहा आपका पिटबुल, और बहुत अच्छा पिटबुल है दोस्तों, बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छी कोट, अच्छी शाइनिंग वाला पिटबुल है, ठीक है। पिटबुल की प्राइसिंग हमारे यहाँ क्रमशः 20,000, 22,000, 25,000, 28,000, 30,000 रुपए तक आती है। ये जो पपी हमारे पास है दोस्तों, ये 25,000 रुपए के रेंज में है, 25,000 के रेंज में है। अगर आपका बजट कम है तो हमारे पास 22, 20, 19,000 रुपए तक में भी आपको
अच्छा अमेरिकन पिटबुल का पपी मिल जाएगा। आई होप गाइस आपको वीडियो में बहुत मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, मैंने बहुत सारी चीजें आपको सिखाई हैं, बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं, क्योंकि हम खुशियां बांटते हैं और आगे भी खुशियां बांटते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खुशियों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहे, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और ढेर सारा प्यार।